वेलकम बैक, दिस इज अंकिता। सो आज हम लोग अष्टांग हृदय में आयुष काम में अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने पिछले लेक्चर में कुछ हेडिंग को कवर किया था, लाइक द्रव्य, व्हाट आर इट्स टाइप, रस, उसका इफेक्ट क्या होता है दोषों पर, एंड एट लास्ट पूर्वादि गुण, दैट इज 20 गुणास। सो आज हम लोग हेतु से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज हेतु? इट इज अ कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर डिजीज, दैट इज हम लोग जानते हैं कि डिजीज है वो पर्टेन होता है बॉडी और माइंड को लेके, मतलब बॉडी और माइंड में डिजीज होता है उसका वो बोल सकते हैं अधिष्ठान है। सो उस डिजीज के लिए जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग हेतु बोलते हैं। सो इसके लिए काल, अर्थ और कर्म का हीन, मिथ्या, अति योग, ये हेतु होता है। सो व्हाट इज काल? काल इज टाइम, अर्थ इंद्रिय अर्थ, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गेन, और कर्म एक्शन जो बॉडी माइंड और स्पीच के द्वारा होता है। तो ये तीनों का मतलब काल में हीन योग क्या होता है, मिथ्या योग क्या होता है, अति योग क्या होता है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जैसे कि हीन योग आप समझ सकते हो जो नॉर्मल में होना चाहिए उससे कम, मिथ्या योग में एबनॉर्मल कंडीशन और अति योग में नॉर्मल से ज्यादा। ठीक है, अगर हम लोग ये जो काल, अर्थ और कर्म का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे इन तीनों फैक्टर्स का, सो हम लोग हेल्दी रहेंगे, मतलब जो पर्सन रहेगा वो हेल्दी स्टेट में रहेगा। तो हम लोग अभी पहला देखते हैं काल का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। सो हम लोग जानते हैं समर में बेसिकली हॉट होता है एंड विंटर कोल्ड होता है। सो हीन योग में जितना समर में हॉट होना चाहिए उससे कम रहेगा हॉट, और विंटर में जितना कोल्ड होना चाहिए उससे कम, सो उसको हीन योग बोलेंगे। मिथ्या योग में समर में कोल्ड होगा एंड विंटर में हॉट होगा, तो इसको मिथ्या योग बोलेंगे, मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा। और अति योग में जितना हीट होना चाहिए उससे ज्यादा समर में होगा और जितना कोल्ड होना चाहिए उससे ज्यादा विंटर में होगा, सो इसको हम लोग अति योग बोलेंगे। सो अब आते हैं अर्थ इंद्रिय अर्थ, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गेन। हम लोग की जो सेंस ऑर्गेन है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट करते हैं टू रिसीव अर्थाज। ठीक है, तो अभी वो पांच तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गेन, कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उसका हम लोग हीन योग, मिथ्या और अति योग देखेंगे जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पहले आता है शब्द का, हीन योग में या तो हम लोग बहुत कम साउंड सुने, मतलब हमें बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है वो क्या बोल रहा है सामने वाला बंदा, या फिर हम लोग कोई साउंड नहीं सुने, तो वो हीन योग में आता है, जैसे मैंने बताया था नॉर्मल से कम। मिथ्या योग में हियरिंग हार्श और अनप्लीजेंट साउंड जो हमें नहीं सुनना चाहिए, मतलब वो बहुत ही ज्यादा चुभ रहा हो, वो साउंड मिथ्या योग में आएगा। और अति योग में मतलब बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड, इसमें आप बोल सकते हो जैसे कि जो जेट प्लेन का जो साउंड होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता हमारे लिए, तो वो अति योग में आएगा। अब देखेंगे स्पर्श, इसमें नॉट टच एनीथिंग हीन योग में। मिथ्या में जैसे कोई हम लोग हार्ड चीज को टच कर रहे हो उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे, या फिर कोई डर्टी चीज या फिर कोई हार्मफुल थिंग्स बोल सकते हो आप, लाइक केमिकल्स वगैरह, तो वो मिथ्या योग में आता है जो हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। एंड अति में या तो हम टू मच कोल्ड या फिर टू मच हॉट सब्सटेंसेस को टच कर रहे हैं, तो वो अति योग में आएगा। अब आता है रूप, सीइंग ऑब्जेक्ट इन डीम लाइट, ये हीन योग में आएगा, मतलब कि डीम लाइट में हम लोग कुछ देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए जिसकी वजह से हमारी आंखें डैमेज होती है। फिर मिथ्या योग में आएगा सीइंग अननेचुरल ऑब्जेक्ट, एंड अति में वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट, जैसे बोल सकते इसमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए जिसकी वजह से हमारी रेटिना डैमेज हो सकता है, तो ये अति योग में आएगा, किसका? रूप का। अब आता है रस, इसका आएगा हीन योग में, या तो आप टेस्ट ही नहीं करें, नॉट टेस्टिंग। मिथ्या में आएगा कि टेस्टिंग अनडिजायरेबल, मतलब वो नहीं टेस्ट करना चाहिए, वो आप टेस्ट कर रहे हो। एंड अति में बहुत ही ज्यादा कुछ आप टेस्ट कर रहे हो, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को आप टेस्ट कर रहे हो, वो अति योग में आएगा। गंध में अब आता है हीन योग में नॉट स्मेलिंग, मिथ्या योग में स्मेलिंग अनप्लीजेंट, जो आपको स्मेल नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, वो मिथ्या योग में आएगा, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन है बोल सकते हो। और अति योग में स्मेलिंग पावरफुल पंजेंट स्मेल, लाइक आप इसमें बोल सकते हो अमोनिया, जिसका स्मेल बहुत पंजेंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, सो उसे हमें स्मेल नहीं करनी चाहिए, वो गंध का अति योग में आएगा। अब आता है कर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट इज कर्म, इट इज द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, माइंड और स्पीच, तीनों के एक्टिविटीज को हम लोग कर्म बोलते हैं। इसका हीन योग होगा, या तो हम लोग कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे, आप बोल सकते हैं कि मतलब दिन भर बेड पे बैठे हुए, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ही कम कर रहे हो, जितना करना चाहिए उससे हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली और वोकली, तीनों में मैं बता रही हूँ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली, मैं तीनों की बात कर रही हूँ। अब मिथ्या योग में आते हैं अनयूजुअल एक्टिविटीज लाइक सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, जैसे वेग धारा नहीं करनी चाहिए, वो मिथ्या योग में आएगा, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में। एंड अति योग में
हम लोग नॉर्मल से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिविटी कर, इसे बोल सकते हो आप ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा बोलना, या फिर और एग्जांपल ले सकते हो, ये अति योग में आएगा। सो अभी हमने देखा काल अर्थ कर्म का हीन योग मिथ्या और अति योग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा संहिता में बताया गया। अब देखेंगे रोग, हम लोग रोग को डिजीज बोलेंगे। सो रोग बेसिकली कैसे हो रहा है, डेट इज कि अगर हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए या फिर दोषों का इम्बैलेंस हो जाए, सो रोग होता है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि जो दोषाज है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉजिंग ऑफ डिजीज। सो अगर दोष वाइटिएट हो जाएगा, मतलब वो बिगड़ जाएगा, डेट इज बोल सकते हैं उसकी वृद्धि हो गई या फिर क्षय हो गई, सो उसका इफेक्ट आता है धातु और मल पे, एंड देन धातु की एंड मल की वजह से उसकी वृद्धि हो जाती है या फिर उसकी क्षय मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डिजीज होता है। ये जो रोग है वो बॉडी और माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, मतलब इसकी वजह से हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा कंडीशन फेस करना पड़ता है। अगर इन्हीं दोषों का बैलेंस स्टेट रहेगा तो वो पर्सन हेल्दी स्टेट में रहेगा। सो हमने इसके पहले देखा था कि जो डिजीज हो रहे उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक हीन मिथ्या अति योग, और अभी हमने देखा कि उसकी वजह से हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है और दोषों का इम्बैलेंस हो रहा है। देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू इट्स ऑरिजिन, दैट इज ऑरिजिन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है दो में, पहला है तो निज एंड दूसरा है आगंतु। निज का मतलब होता है इंडोजेनस, जो इंट्रिंसिक फैक्टर से डिजीज होते हैं, जैसे होता है दोषाज। दोषाज मतलब क्यों वो वाइटिएट कंडीशन में आता है, हम लोग इरेगुलर डाइट ले रहे हैं, इरेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से दोषाज जो है वो वाइटिएट होगा एंड उससे रोग उत्पन्न होंगे। इसमें पहले दोषाज वाइटिएट होता है एंड उसके बाद हमें डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जबकि आगंतु में थोड़ा अपोजिट है। आगंतु एग्जोजेनस मतलब वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से होता है, जैसे कि ट्रॉमा, अभिघात मतलब वो एक्सीडेंट हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इसमें पहले साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं एंड उसके बाद दोष का वाइटिएशन होता है, जबकि हमने नीज में देखा इसमें पहले दोष का वाइटिएशन होगा एंड उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बेस ऑफ डिजीज, दैट इज जो रोग का अधिष्ठान कहाँ कहाँ होता है, उसका साइट कहाँ होता है। पहला तो है बॉडी सोमा, डेट इज शारीरिक, एंड दूसरा है माइंड साइक, डेट इज मानसिक। दो जगह होता है उसका अधिष्ठान, शारीरिक और मानसिक। अब है दोषाज और साइक, डेट इज कि मतलब मानसिक में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन से दोषाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइंड के डिजीज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मानस मतलब माइंड के तीन क्वालिटीज होते हैं, सत्व रजस तमस, इसको महागुण बोलते हैं। सत्व मतलब अच्छा, मतलब इसमें सारे अच्छे क्वालिटीज होते हैं सत्व वाले गुण में, जबकि रजस एंड तमस को पॉल्यूटेंट ऑफ माइंड बोला गया है, क्योंकि यही तो दोषाज है, जो माइंड के दोषाज है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, रजस और तमस। एक श्लोक है, रज तमस मंच दो च दोष वृद्धहतो, यहाँ पे जो च है उसमें शारीरिक दोष बोला गया है। क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया जो माइंड के लिए भी जो भी डिजीज उत्पन्न होते हैं माइंड से रिलेटेड वो रज और तम की वजह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे शारीरिक दोष भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड अफेक्ट करता है एंड फिर उसको डिजीज होती है। जैसे आप अभी एग्जाम्पल ले लो कोरोना का ही, कि उसमें हम लोग जानते हैं कि इंडिया में रिकवरी रेट ज़्यादा है, बट उसके जो भी पेशेंट होता है जिस कोरोना होती है उनके माइंड में इतना इफेक्ट करता है कि वो मतलब वो बेयर नहीं कर पाते कि उन्हें कोरोना हो गया, क्योंकि उतना डर ही फैला हुआ है। इसलिए मतलब शारीरिक दोष मतलब उसमें शरीर में प्रॉब्लम हुई लेकिन वो ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसे अलग ले रहना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, इसकी वजह से उसका ह्यूमन माइंड अफेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे बोला है शारीरिक दोष जो भी ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे रोगी रोग परीक्षा, रोगी मतलब पेशेंट एंड रोग मतलब डिजीज, उसका हम लोग एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग रोगी परीक्षा, डेट इज पेशेंट को जब एग्जामिन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मतलब इंस्पेक्शन, विजुलाइज सी, जैसे हम लोग जो देखते हैं सो हम लोग आई से देखते हैं, जैसे कि जॉन्डिस में देखा जाता है मेनली आई में कि वो येलोइश तो नहीं हो रहा है, सो वो दर्शन से देखते हैं हम लोग। फिर आता है स्पर्शन, डेट इज पल्पेशन, टच फील और अप्लाइंग वेरिंग प्रेशर ग्रेड्स, डेट इज द हीट कोल्ड सॉफ्टनेस रफनेस। आप बोल सकते हो इसमें जैसे कि सपोज किसी पेशेंट को स्टमक पेन हो रहा है, तो जो डॉक्टर होता है वो उसके स्टमक में प्रेशर वो टच करके फील करता है कि उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्पर्शन से कनेक्ट कर सकते हो।
अब आता है प्रश्न इंटीग्रेशन, दैट इज सिम्टम्स, फूड हैबिट एटसेट्रा। वो डॉक्टर उस पेशेंट से पूछता है कि क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, आप क्या क्या खाने में ले रहे हो, तो ये प्रश्न करके वो रोगी का परीक्षा करता। अब आता है रोग परीक्षा, मतलब हम लोग डिजीज को डायग्नोस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ निदान पंचक। तो पहला है निदान, ठीक है। निदान क्या है, दैट इज कॉजेटिव फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया डिजीज के लिए कुछ कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो निदान में आता है। असेंबली ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। सेकेंड है प्रागरूप और पूर्व रूप, दैट इज प्रोडोमल सिम्टम्स और बोल सकते हो माइल्ड सिम्टम्स। जैसे कोई भी डिजीज होने के पहले कुछ अर्ली सिम्टम्स शो होते एंड उसके बाद उसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स शो होते। जैसे बोल सकते हो एग्जाम्पल लेते हुए मैं मलेरिया का, मलेरिया में स्टार्टिंग में फीवर आती है एंड उसके बाद मतलब अल्टरनेट डे या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम में फिर फीवर आना कंटिन्यू होती है। तो जो अर्ली फीवर जो है वो अर्ली साइन सिम्टम्स आप बोल सकते हो, प्रागरूप या फिर पूर्व रूप। देन है लक्षण या रूप, मतलब बेसिक जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, जो एक डिजीज का पर्टिकुलर डिजीज का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होता है उसको लक्षण या फिर रूप बोलते हैं। फिर आता है उपचय, दैट इज ट्रायल थेरेपी। इसमें हम लोग ड्रग, फूड या फिर कुछ एक्टिविटी देते हैं जिससे उस पेशेंट को रिलीफ मिल सके या फिर उस डिजीज के अपोजिट वो दे जिससे कि उसको रिलीफ मिल सके, इन तीनों चीज से, ठीक है। उपचय का जस्ट अपोजिट होता है एक अनुपचय, जो डिजीज को स्टिमुलेट करता है या फिर सिम्टम्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि मैंने बताया उपचय का मतलब वो डिजीज को कम करता है, डिजीज के जो भी काउज उसको कम करेगा, लेकिन अनुपचय में उसका उल्टा होता है। अब है संप्राप्ति, दैट इज पैथोजेनेसिस। उस जो भी मतलब वो जो डिजीज हुआ है उसका कारण क्या है, वो कैसे दोषास का एक्शन था, तो उस पर कैसे हो रहा है, तो जितना भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है उस डिजीज से रिलेटेड वो सब संप्राप्ति में हम लोग देखेंगे। अब आता है टाइप ऑफ देशा एंड देयर रिलेशनशिप विद दोषास। देश का मतलब होता है रीजन। सो बेसिकली इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, पहला तो भूमि, डेट इज रीजन ऑफ लैंड, एंड सेकेंड है देह, डेट इज रीजन ऑफ बॉडी, मतलब हमारा शरीर। सो भूमि को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जंगल देश, अनुप देश एंड साधारण देश। जंगल देश का मतलब होता है ड्राई और एरिड रीजन, जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी हो। तो एग्जांपल भी ले सकते हो राजस्थान, जहाँ पे वात दोष डोमिनेंट वाले लोग रहते हैं, इसीलिए राजस्थान के लोग दही मतलब जो स्निग्ध फूड ज्यादा खाते ताकि उनका रुक्षता कम हो सके, वात बैलेंस में हो सके, मतलब उसकी इंक्रीमेंट नहीं हो। अब अनुप देश, यहाँ पे वेट मार्शी और लॉग एरिया होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम लोग केरल का, क्योंकि वो अनुप देश में आता है, वहाँ पे बेसिकली बारिश वगैरह होती रहती है एंड वहाँ के लोग में कफ दोष का डोमिनेंस होता है। अब देखेंगे साधारण देश, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रीनरी और वाटर सप्लाई वहाँ पे होगा, मतलब नॉर्मल होगा, ना तो ज्यादा वाटर स्कार्सिटी होगी ना ही ज्यादा बारिश होगी, मतलब बैलेंस में रहेगा। यहाँ पे तीनों दोष इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को, आयुष काम्य अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो सी, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।